वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम जो है चैप्टर को अपने नमस्ते जी नमस्ते, आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को। चलिए किसका अनम्यूट नहीं हो रहा है? अच्छा सर्वेश, आप इसको अनम्यूट कर लो, है ना। और रोबिन सिंह अनम्यूट है ही, ठीक है, अनम्यूट है ये। कोई एक बंदा है इसका अनम्यूट नहीं है वो कर। हाँ हाँ चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है ठीक है, कर लेंगे कोई नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू रनिंग में है वो है सिंपल इंटरेस्ट। और आज या कल, आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल पूरा हो जाएगा ये। चलिए इसमें एक टाइप है, टाइप नंबर हमारा आएगा 7, ठीक है। तो 7 टाइप करने से पहले आप लोगों से हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल सुना रहा हूं और वो एग्जांपल आपको बड़े ध्यान से सुनना है, टाइप नंबर 7 के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए हम कुछ पैसे अकाउंट में जमा करते हैं। मान लेते हैं हमने आज अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर दिए, ठीक है, और साधारण ब्याज पर। और बैंक जो हमें ब्याज देगा, मान करके चलो बैंक ब्याज देगा हमें 5% वार्षिक के हिसाब से। तो बैंक हमें जो ब्याज देगा वो 5% वार्षिक के हिसाब से देगा, ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, जब हमने 1 लाख रुपए जमा करे हैं बैंक में और बैंक हमें जो है इस पे 5% वार्षिक के हिसाब से ब्याज देगा, तो हमें 1 साल में कितना ब्याज देगा? तो देखो मोटा मोटा मैथमेटिक्स है, हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा करे हैं। हाँ वेरी गुड, हमने यहाँ पे 1 लाख रुपए जमा करे हैं और 5% वार्षिक का ब्याज मिलना है, तो इसका मतलब बैंक हमें जो है 5,000 रुपये ब्याज देगा। एक बहुत मोटा हिसाब है, ठीक है, 5,000 रुपये का ब्याज देगा बैंक हमें। और की रेट क्या थी वहां पे, बैंक में रेट थी 5% रेट थी। अब मान करके चलो, हाँ मान करके चलो ये जो रेट है ये रेट किसी वजह से बढ़ करके 7% हो जाए, मान कर चलो। तो अब सवाल ये उठता है, अब आपको वहां से कितना ब्याज मिलेगा? तो अगर हम 1 लाख पर, हाँ 7,000 मिलेगा, वेरी गुड। अगर हम 1 लाख पर 7% का ब्याज निकालना चाहें तो ये बैठता है स्टूडेंट्स 7,000 रुपीज। इसका मतलब ये हुआ, जब रेट 5% था तो हमें 5,000 रुपये ब्याज के मिल रहे थे, जब रेट बढ़ करके 7% हुआ तो ब्याज भी बढ़ करके 7,000 रुपये हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं सीधी सीधी बात कि इंटरेस्ट का मिलना रेट पर डिपेंड करेगा। रेट अगर ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, रेट अगर कम होगा तो इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो ये जो टाइप नंबर जो 7th है ये हमारा इसी पर बेस्ड है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दोगे तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दोगे तो इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं हम लोग, ये बात हमारे माइंड में बैठ गई कि रेट बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, रेट कम होगी तो ब्याज भी कम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग 1 मिनट देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है, यदि साधारण ब्याज की दर को, ये क्वेश्चन है हमारा, यदि साधारण ब्याज की दर को 2% वार्षिक बढ़ा दिया जाए, पॉइंट नोटेड, ये बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं बच्चों नोट करने वाले। यदि साधारण ब्याज की दर 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितनी थी ब्याज की दर उसमें 2% की वृद्धि कर देंगे 1 साल में। मान लो, हाँ मान लो ब्याज की दर पहले 5% थी, ठीक है, तो वो 7% हो जाएगी। मान लो ब्याज की दर पहले 10% होगी तो वो 12 हो जाएगी, यानी जितनी भी थी स्टार्टिंग में उसमें 2% की इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। 15% होगी तो 17 हो जाएगी, हाँ हर साल, है ना, हाँ हर साल दो दो का, मतलब ऐसे नहीं रिकरिंग इंक्रीमेंट नहीं होगा,
हर साल नहीं, एक बार इंक्रीमेंट होगा बस, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि अब इस बार मान लो 10% रेट था तो इस बार 12 हो गया, फिर अगले साल 14 हो गया, फिर अगले साल 6 हो गया, ऐसा नहीं होगा। मतलब 10 से 12 एक साल में 2 की वृद्धि, है ना। हाँ, अब वो कहता है 2% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो 4 वर्षों में एक व्यक्ति को 160 रुपये अधिक मिलते हैं। सबसे पहली चीज ये है, ये जो 160 रुपये अधिक मिल रहे हैं इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको क्या नाम दे, इसको मूलधन का नाम दें, इसको मिश्र धन का नाम दें, इसको ब्याज का नाम दें। तो एक मैंने आपको बात बताई थी, अगर हाँ, वेरी गुड, अगर हम लोग रेट बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा जो मिलेगा वो ब्याज ही मिलेगा, सीधी सी बात है। अगर हम रेट कम करें तो ब्याज कम मिलेगा, तो यानी जो ये ज्यादा मिला या कम मिला ये ब्याज है, तो इसको हम डियर स्टूडेंट्स ब्याज का नाम दे सकते हैं, ये ब्याज ही है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। अब एक बात, मोटा मोटा हिसाब है, 2% वार्षिक का मतलब होता है एक साल में 2 बड़ा, यानी एक साल में 2 रुपये फालतू मिले। जब एक साल में आपको 2 रुपये फालतू मिले तो 4 साल में कितने फालतू मिलेंगे, एक बहुत मोटा मैथमेटिक्स है। जब एक साल में हमें 2 रुपये फालतू मिल रहे हैं तो 4 साल में कितने फालतू मिलेंगे, 8 रुपये फालतू मिलेंगे, 4 दुनिया 8 भाई 2 into 4, 8 रुपये फालतू मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, 8% बराबर रखो 160 के, ये जो 160 रुपये है ये बढ़ा हुआ ब्याज है, जो 8% है वो भी बढ़ा हुआ ब्याज है। हाँ, और वो कह रहा है मूलधन बताओ, तो मूलधन को यहाँ पे 100 लिखो और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर रखी है हमने, ये यहाँ पर कर रखी है 160 गुना 100, ये रहा 160 गुना 100, और डिवाइड बाय 8, 8 से इसे काट दोगे तो ये 8 दुनी 16 20 बार कट जाएगा, और 20 गुना 100 हो जाएगा ये 2000, तो हमारा आंसर आ गया 2000। एक मेथड तो इसको ये वाला है, ये मेथड बहुत इजी है, मुजबानी भी कर सकते हो इसको, पेन कॉपी की कोई जरूरत भी नहीं है। एक बार फिर दोबारा समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना, एक साल में 2% बढ़ेगा, दिमाग लगाओ 4 साल में कितना बढ़ेगा, मोटा मोटा मैथमेटिक्स हर कोई लगा सकता है हिसाब। तो एक साल में बढ़ेगा, सॉरी 4 साल में बढ़ेगा 8%, 8% बराबर रखो बढ़ा हुआ ब्याज 160, और अपॉन में लिखो 100% मूलधन निकालने के लिए यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, खत्म बात, ठीक है। इसका एक अल्टरनेट विकल्प भी देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग, ये जो सूत्र था हमारे पास SI बराबर PRT अपॉन में 100, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता रहा हूं कैसे करेंगे, जहां SI लिखा हुआ है वहां तो लिखेंगे 160, ये लो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना, पी को पी लिखेंगे इनटू आर की जगह लिखेंगे हम लोग 2, और इनटू टाइम की जगह लिखेंगे हम लोग 4, और डिवाइड बाय बच्चों 100, ठीक है। तो हम लोग ये मेथड भी कर सकते हैं, 4 दुनी 8, और 8 से काट दोगे, 8 दुनी 16 20, और इसकी गुना यहां पे कर दोगे तो पी बराबर 2000। तो दोनों मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कुछ कह सकते कि ये अच्छा वो अच्छा, दोनों ही मेथड बढ़िया है, जिससे भी आपको हो जाए उससे कर सकते हो आप, मतलब ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। चलिए अभी इसका हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और अच्छा इंपोर्टेंट टाइप है, खूब एग्जाम में से सवाल आते हैं। और सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे टाइप खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस कॉर्नर होगा, और प्रैक्टिस कॉर्नर को भी हम सॉल्व करेंगे, वो इवनिंग में क्लास लेंगे प्रैक्टिस कॉर्नर की, ताकि हमें पूरा हो जाए, क्योंकि टाइप टाइप करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस कॉर्नर भी करना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो 5 वर्षों में एक व्यक्ति को 300 रुपये अधिक मिलते हैं। मुजबानी करने की कोशिश करो, 3% वार्षिक का मतलब होता है एक साल में 3% बढ़ेगा, तो 5 साल में बढ़ेगा 15%, भाई एक साल में 3 रुपये मिल रहे ज्यादा आपको, तो तीन तीन हर हर बार ज्यादा मिलते रहेंगे हर साल, तो 3 5 15, 15% आपको ज्यादा मिलेगा, तो 15% बराबर रख दो किसके, 300 के, और मूलधन उसने पूछा आपसे,
हाँ जी, तो नीचे 100% लिखो, यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 300 गुना में 100 और बटे में आ जाएगा ये 15, तो 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा आपका 2000। कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बिल्कुल पूछ सकता है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, आप रोक करके पूछ सकते हैं, सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। आप अपना स्पीकर अनम्यूट भी रख सकते हैं, बस जिसके यहाँ पे शोर हो रहा हो वो अपना म्यूट कर ले, ठीक है, और बाकी अपना मतलब है ना। हाँ ठीक है, चलो इसमें एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो यही है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा अलग है। ये प्रिंस इस समय पर आ रहे हैं, 9:11 पे। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 10% से 8%, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बच्चे इतने पॉइंट में भी घूम जाते हैं, 10 से 8 क्या हो गया? तो 10 से 8 होने का मतलब है रेट 2% कम हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमें 2 से मतलब है ना, तो 10 से मतलब है और ना हमें 8 से मतलब है, हमें मतलब है 2 से। 2% वार्षिक जो है दर कम हो रही है, 8 से 10 हुई तो 2% वार्षिक कम हुई, तो 20 वर्षों में एक व्यक्ति को 20 रुपए कम मिलते हैं। चलिए, इसका यहां पे आया था ये 2% है ना, इसका मतलब है एक साल में 2 रुपए कम मिलेंगे। भाई वार्षिक का मतलब तो एक साल ही होता है ना, एक साल में 2 रुपए कम मिलेंगे। जब एक साल में 2 रुपए कम मिलेंगे तो 20 साल में कितने कम मिलेंगे? एक बहुत मोटा मैथमेटिक्स है। 40, वेरी गुड, 40, वेरी गुड। तो 40% बराबर रखेंगे इस वाले 20 के, और क्योंकि उसने हमसे पूछा है मूलधन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 100% और क्रॉस मल्टीप्लाई पहले की तरह, तो 20 गुना में 100 डिवाइड बाय 40, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, 2 से काट दो 50, बिल्कुल 50 ही आएगा आंसर। ये लीजिए 50 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि टाइप बेसिक तरीका बिल्कुल यूज कर लो, मैंने बताया था प्रशांत अभी, आप लगा दो सीधा सीधा एस आई बराबर PRT, क्यों लफड़े में पढ़ रहे हो? मत पढ़ो लफड़े में, देखो मैटर ये नहीं करता हम लोग किस उद्देश्य से कर रहे हैं प्रशांत, ये हम लोगों के बीच में तो एक अफवाह ही फैल गई कि जी ए वाला तरीका बढ़िया, वाला तरीका बढ़िया, तरीका वो बढ़िया जिससे एग्जाम में जल्दी हो जाए, खत्म बात। बस अब यहां SI की जगह लिख देंगे हम लोग 20, प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट की जगह क्या लिखेंगे? हाँ R2, गुड, 2, और टाइम हो जाएगा येरा 20, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले की तरह इसको कैलकुलेट कर लो, 20 से 20 कट गया, 2 से काट दो 50 और P बराबर 50 तुम्हारा आ जाएगा, P बराबर 50। ठीक है प्रशांत, दोनों तरीके से कर सकते हो, और ये नहीं कह सकते हम कौन सा अच्छा कौन सा बढ़िया, बस जैसे भी आपको करना है एग्जाम में करके आना, बस एग्जाम में फटाफट दिमाग चलना चाहिए हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टाइप हमारा कंप्लीट हुआ, अब उम्मीद है इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे, और इसमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, टाइप में चलो अब आते हैं टाइप नंबर 6 की बात, 7 सॉरी 8 की बात। टाइप नंबर 8 करने से पहले आपको कुछ याद भी करना होगा, आपको टाइप नंबर 8 करने से पहले कुछ याद भी करना होगा। जैसे कल एक टाइप आया था एलिगेशन का, मैंने उसमें आपको एक बात बताई थी, और बात ये बताई थी स्टूडेंट्स के जब भी किसी धनराशि को दो भागों में डिवाइड किया जाएगा और उन दोनों भागों से कंबाइंड ब्याज मिलेगा, इकट्ठा ब्याज मिलेगा, तो ऐसे सवालों में हमेशा एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो सवाल तो रटे नहीं जा सकते, आप भी जानते हो सवाल नहीं रट सकते हम लोग, लेकिन सवाल की स्ट्रक्चर को रट सकते हैं, और वो रटनी भी चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में सवाल की स्ट्रक्चर फीड नहीं है तब तक हम सवाल को देखते ही ये पता नहीं लगा सकते कि वो सवाल कौन से मेथड से होगा, तो हमारे माइंड में सवाल की स्ट्रक्चर रटी हुई होनी चाहिए। अभी कल की बात बता दूं, कल एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर, हाँ अभी सुनो पहले मेरी बात, कल एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेश्चन पूछा एलिगेशन का, प्रतिशत का क्वेश्चन था, SD यादव का क्वेश्चन था,
और वो ब्रिलियंट बच्चा था और उसे पढ़ते हुए लगभग 1 साल हो गया, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाया कि इस क्वेश्चन के अंदर एलिगेशन लगेगा। तो हाँ वो बता दूंगा बाद में, है ना। हाँ ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम सवाल नहीं रट सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम सवाल रट ले। सवाल तो क्योंकि प्रैक्टिस करते करते वो अपने आप ऑटोमेटिकली रटते हैं, लेकिन हमें सवाल की स्ट्रक्चर जरूर रटनी चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिफाइन किया है पूरा, ये टाइप किस चीज पर आधारित है, पढ़िएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पर। जब किसी धनराशि को, कोई भी धनराशि होगी, दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया हो, कम से कम धनराशि के दो भाग तो करेगा ही करेगा भाई, एक तो करेगा नहीं, तो धनराशि के कम से कम दो भाग करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो तीन भी कर सकता, चार भी कर सकता, वैसे एग्जाम में या तो दो भाग करेगा या तीन भाग करेगा। तो जब भी किसी धनराशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया हो, और आगे लिखा है वह प्रत्येक, हाँ प्रत्येक भाग का, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे दिमाग में ये चीज फीड है और इसी से मैं पता लगा लेता हूं कि सवाल को देख करके ये सवाल किस मेथड से होगा, इससे होगा या नहीं होगा। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो, तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो। तो अब ये क्वेश्चन का मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया था कि क्वेश्चन किस चीज पर आधारित है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, ठीक भाई, 7,020 रुपए की धनराशि को तीन भागों में बांटना है, इस प्रकार बांटना है कि इन भागों पर साधारण ब्याज की दर जो है वो 6%, 4% और 3%। तो मतलब जो पहला वाला भाग होगा उस पर रेट होगा 6% का, दूसरा वाला जो भाग होगा उस पर रेट होगा 4% का, और जो तीसरा भाग होगा उस पर रेट होगा 3% का, वार्षिक हो। फिर आगे बोला उसने, यदि इन भागों के क्रमशः 3 वर्ष के, 6 वर्ष के और 4 वर्ष के, अब यहां तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई मैटर नहीं, अब आगे पढ़ते हैं वो क्या कहता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ये वाला उसने बोला है कि साधारण ब्याज बराबर हो। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, इसी वाले पॉइंट में इस क्वेश्चन की जान फंसी हुई है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो। अब देखो आपको एक बात बता दूं, जब भी किसी धनराशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटा गया होगा और साधारण ब्याज बराबर होंगे, तो हम लोग हमेशा इस सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र ये लगाना है आपको, ये रहा, ये खुद अपने आप में एक शॉर्टकट है, बेसिक को हल करते 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 फाइनल जो निकला कंक्लूजन वो ये निकला कि इसमें ये सूत्र लगाना। सूत्र है P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर 1/R1T1 अनुपात 1/R2T2 अनुपात 1/R3T3 से सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 7,020 रुपये, इसके हमने तीन हिस्से कर दिए स्टूडेंट्स। पहले हिस्से को हमने P1 मान लिया, दूसरे हिस्से को हमने P2 मान लिया, तीसरे हिस्से को हमने P3 मान लिया। पहले वाले भाग पे जो रेट था वो था 6% का, दूसरे वाले पे रेट था 4% का, तीसरे पे रेट था 3% का, और इनके पहले वाले भाग का 3 साल की बात की थी, दूसरे वाले भाग की 6 साल की बात की थी, और तीसरे वाले भाग की 4 साल की बात की थी। और उसने एक बात बोली थी हमसे, क्या बात बोली थी कि ये देखो, ये बात बोली हुई है, देखो एक एक चीज लिखी हुई है यहाँ पर, साधारण ब्याज बराबर हो, प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ये वाली चीज, इसका मतलब ये है पहले भाग का जो ब्याज होगा वही दूसरे वाले भाग का ब्याज होगा और वही तीसरे वाले भाग का ब्याज होगा। पहले भाग का ब्याज बराबर दूसरे भाग का ब्याज बराबर तीसरे भाग का ब्याज, यानी तीनों भागों के ब्याज बच्चों बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके okay। चलिए अब हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना देखते हैं। यहां से इसको यहां रोक देते हैं और देखते हैं फॉर्मूला कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला था हमारा ये वाला,
अब मैं आपको समझा रहा हूं, बराबर वन अपॉन आर वन टी वन, ये लिखा हुआ है, ये रहा आर वन टी वन। तो आर वन टी वन का मतलब हो गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, तो 6 3 18 हो गया, और हमने यहाँ पे नीचे 18 लिख दिया। एक एक पॉइंट को समझते चलना, कोई पॉइंट समझ में आए तो आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है। सेकंड में लिखा वन अपॉन आर टू टी टू, ये रहा आर टू टी टू बच्चों, ये रहा, तो आर टू टी टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 24, ये आ गया 24 यहाँ पे। फिर है आर थ्री टी थ्री, ये रहा आर थ्री टी थ्री, और हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, ये 12 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट क्लियर हो गया, 18 कैसा आया, 24 कैसा आया, 12 कैसा आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, गुड। कहीं कोई समझ में ना आए तो बता देना आप लोग। अब इन्हें करते क्या है, इन्हें आपस में काटते हैं बच्चों, आगे ना समझे, ठीक है, ठीक, गुड। अब इन्हें काटने का तरीका देखो, जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन पे आपको ध्यान देना, मैं ये वाली बात कर रहा हूं। अगर ये 18 ये वाली वैल्यू, और ये वाला 24 और ये 12, ये तीनों की तीनों वैल्यू अगर किसी एक ही नंबर से कट रही हैं तो काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, किसी एक नंबर से तीनों वैल्यू कट जाएंगी क्या? हाँ, वेरी गुड, 6 से कट जाएंगे, गुड गुड गुड, 6 से कट रही है, 6 3 18, 6 4 24, और 6 2 12। हाँ, तीनों कटे तो ही काटनी है, कोई सी दो कटे तो नहीं काटनी, ध्यान रखना बात ये, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या मिस्टेक करते हैं, आपको दिखा भी रहा हूँ क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे। मिस्टेक करते हैं, मान लो कहीं लिखा है 1/12, ठीक है जी, मान लो कहीं लिखा है जी 1/15, और मान लो कहीं लिखा हुआ है 1/7, तो बच्चे क्या सोचते हैं, सोचते हैं जी 12 15 तो कटी रहा आपस में, इन्हें 3 से काट दो जी, 3 4 12 3 5 15, तो ये गलत हो गया है, क्योंकि 3 से ये कट रहा जी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 3 से ये कट रहा जी, ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन 3 से ये नहीं कट रहा, तो ऐसी स्थिति में हाँ हम इनको काटेंगे नहीं, ठीक है, ऐसी स्थिति में काटेंगे, ये जैसे लिखा था 1/12, 1/15 और 1/7, ये ऐसी कैसी रहेगा, कटेगा कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक है, तो आपको ये समझा देना चाहिए। चलो खैर, अब आगे बढ़ते हैं, तो फाइनली हमारा ये आ गया बच्चों, ये रहा, ठीक है। अब इससे आगे मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी जरा मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दे रहा हूँ, मैं तो आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिक मैथ आ गया यहाँ पे, एक बेसिक पार्ट आ गया, तो बेसिक पार्ट के अंदर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब आप स्टूडेंट्स रेशो पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, तो वहां पे क्वेश्चन ये वाला पढ़ेंगे, 1/2 कुछ इस तरह से, 1/3 और 1/4। एक बात आप लोग नोटिस रख लो, पूरे मैथमेटिक्स में, चाहे वो 9th क्लास का मैथमेटिक्स हो, चाहे 10th क्लास का मैथमेटिक्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव मैथ के हो, कॉम्पिटिटिव मैथ के अंदर कोई सा भी चैप्टर हो, जब भी कहीं पर भी तुम्हें अनुपात इस तरीके से लिखा मिल जाइए, तो ये समझ लो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व बाद में करना है, आपको पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, एक मैंने आपको पैटर्न लिख के दिखाया है, जब भी अनुपात इस रूप में मिलेगा तो आपको क्वेश्चन बाद में सोल्व करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। ये चीज हम अनुपात चैप्टर के अंदर सीखते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बीच में सिखा रहा हूं, क्योंकि बीच में सिखाता रहूंगा तभी आपके माइंड में हिट रहेगी ये चीजें, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के स्टूडेंट्स दो रास्ते हैं, दो विकल्प हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। पहला विकल्प, फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड क्या है, पहला मेथड ये कहता है कि इस वाली संख्या का और इस संख्या का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो 2 का 3 का 4 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा। अब अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो अलग, एक अलग पॉइंट है, वो अलग समझा देंगे, ठीक है, अलग जब टॉपिक आएगा तब समझा देंगे। तो फिलहाल 2 का 3 का 4 का एलसीएम 12 आएगा, तो हम 12 की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे, ऊपर यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यानी 12/2, 12/3 और 12/4। 2 से काट देंगे इसको 6 बार, 3 से काट देंगे 4 बार, और 4 से काट देंगे 3 बार। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया,
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर किसी बच्चे को ये चीज़ नहीं आती थी पहले तो उम्मीद है अब आ जानी चाहिए। ठीक है, इसका मैंने बताया दो मेथड है, एक तो ये वाला मेथड है। इस मेथड में प्रॉब्लम क्या आती है, इस मेथड में प्रॉब्लम ये आती है जब ये वाली संख्या और एक मिनट रुक जाओ मैं पेन दूसरा, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या थोड़ी बड़ी हो जाए, मान लो ये 13 हो जाए, ये 12 हो जाए, ये 17 हो जाए, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि एलएसएम लेने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे भी एक बचाव है, इसका भी एक बचाव है, मैं बता रहा हूँ बचाव क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि काम की चीज लिखी हुई है, जिनका मैथ वीक है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ कि दूसरा मेथड हम लोग क्या अप्लाई करेंगे इसमें, सेकंड मेथड क्या अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड देखते हैं। चलिए सेकंड मेथड होता है छिपाने वाला। बच्चों आप एक काम करो, पहली वाली संख्या को छिपा दो, जो ये पहली संख्या लिखी हुई है इसको छिपा दो। स्टूडेंट्स कल की तरह एक प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, अभी 10 मिनट बाद हम लोग मतलब लॉग आउट हो जाएंगे, तो तुरंत ही आपको फिर लॉग इन होना है। ठीक है, एक दो दिन की दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हमने पहली वाली संख्या को छिपा दिया, अब हमारे सामने संख्या क्या बची है बच्चों, 3 और 4। तो 3 और 4 की हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 चौक 12, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12, ये लीजिए। ठीक है, अब ओके, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था 2, पहले 2 लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी, अब क्या करेंगे हम सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में बीच वाली संख्या को छिपा देंगे इसको। अब आपको क्या दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है 2 और 4, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, हाँ जी। और थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, यहाँ था 3, पहले यहाँ 3 लिख देते हैं। हाँ, अब क्या करेंगे, अब इस तीसरे वाले को छिपा देंगे, यानी एक एक करके छिपाना बारी बारी से। ठीक है, अब आपको दिख रहा 2 और 3, इनकी गुना कर देंगे 6, और ये हमारा स्टेप बच्चों पूरा हो गया। किसी को प्रॉब्लम कोई, ठीक है, वेरी गुड। और इसमें फायदा क्या है, इसमें फायदा यह है कि आप एलसीएम लेने से बच जाते हैं। तो 2 से काट देंगे 6 बार, 2 से काट देंगे 4 बार, और 2 से काट देंगे बच्चों 3 बार, ये हमारा आ गया पैटर्न, ये मतलब 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप एलसीएम लेने से बच जाते हैं। चलिए अब हम वापस उस पर आते हैं, अपने सेट पर आते हैं। क्वेश्चन था हमारा स्टूडेंट्स, यस, ये वाला, यहाँ पर आ गए हम लोग, ये यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने क्या करा, अभी जो हमने समझाया वही करा, यहाँ पे ये वाला 3, ये वाला 4, और ये वाला 2 का एलसीएम लिया, 12 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी सब में, इसे काट दिया 3 चौक 12, इसे काट दिया 4 3 12, और इसे काट दिया 2 छिंग 12, तो फाइनली अनुपात हमारा क्या आ गया, ये आ गया 4 अनुपात 3 अनुपात 6। हाँ, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास राशि थी ये वाली राशि, ये वाली, इस राशि को तोड़ना है किस अनुपात में, ए इस वाले अनुपात में। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा बता रहा हूं। ये 7020 है, ये हमारा टोटल है, सॉरी टोटल है हमारा, ये गड़बड़ हो गई, 7020, ठीक है, और बराबर, और अगर हम इस अनुपात को देखें तो हमारा टोटल कितना बैठता, 13, भाई 4 और 7 3 हो गया, 3 और 6 कितना हो गया, सॉरी 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 यूनिट, तो 13 यूनिट बराबर 7020 के हो गया, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा वो निकाल लो, तो 7020 को हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से, तो ये हमारा 540 आएगा, यानी मतलब सीधा सीधा ये हो गया।
अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 540। तो अब हमें क्या करना है सब, हाँ एक यूनिट की वैल्यू 540 हो गई, 13 यूनिट बराबर हो गया 7020 के। मैं यहां एक बार लिख देता हूं ऊपर, फिर भी 13 यूनिट बराबर 7020। तो एक यूनिट बराबर हो गया 7020 को डिवाइड कर देंगे 13 से, तो ये आ जाएगा 540। चलिए अब हमें क्या करना है, P1 निकालना है। P1 कितना यूनिट है यहाँ पे, 4 यूनिट, ये रहा 4 यूनिट। और अभी हमने पता लगाया एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 540, तो हमने यहाँ पे 540 की मल्टीप्लाई कर दी, टोटल आ गया 2160। इसी प्रकार से हम लोग बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, P2 की वैल्यू। तो P2 यहाँ पे कितना यूनिट है, P2 जो है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा P2, देखो ये रहा, ध्यान से देखना P2 3, ये रहा 3। तो एक यूनिट बराबर है 540 के, तो 3 यूनिट बराबर किसके होगा, गुना कर देंगे तो 1620 क्या जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी तरह से P3 जो है वो 6 यूनिट है, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 540 की, तो 3240। यानी सीधी सी बात है, 540 की मल्टीप्लाई जो है, आपको एक मोटी सी बात बता रहा हूँ, 540 की मल्टीप्लाई इसकी आपको 4 में भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई आपको 3 में भी करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई 6 में भी करनी है, तो आपके 2160, 1620 और 3240 जाएगा। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। चलो इसी के जैसा भी एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यहां से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं खुद ही, ठीक है। चलिए यहां पर कहता है 12,000 रुपये की धनराशि को, टोटल हो गया हमारे पास 12,000, ये रहा, 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि इन भागों पर साधारण ब्याज की दर जो है वो 4, 5 और 3% रहे। तो इसका मतलब जो है, ये जो 4 है ये R1 है, ये 5 R2 है, 3 R3 है। वार्षिक को यदि इन भागों के क्रमशः 5 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज बराबर हो। इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, ये लिखा क्वेश्चन के अंदर, ये रहा पहचान, सवाल की पहचान किस चीज से करोगे, इससे करोगे, साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग बताओ। तो आप एक बात देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, ये जो 4 है ये वाला, ये R1 होगा, 5 R2 होगा और 3 R3 होगा, ये वाला 5 T1 होगा, ये वाला 3 T2 होगा और ये वाला 4 T3 होगा। और हमारे पास जो सूत्र था वो था 1 R1 T1 रेशो 1 R2 T2 रेशो 1 R3 और T3, ठीक है। अब यहाँ पे R1 T1 की मल्टीप्लाई करनी है, ये इस समय पर कौन आया है, हैज एंटर्ड इन द रूम, मीटिंग रूम से एडमिट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर जो है R1 T1 की बच्चों मल्टीप्लाई करनी है, तो एक बार मैं यहाँ पे दिखा दूँ क्लियर सा, R1 T1 कौन सा है, ये R1 है, ये T1 है, तो 5 चौक 20 हो गया बच्चों, ये लो 20 हमने हाँ लिख दिया। अब बात आती है R2 T2 की, तो R2 T2 कौन सा देखते हैं, चलो R2 ये रहा और T2 ये रहा, तो 5 3 15 यहां लिख देंगे 15। फिर वो कहता है यहां पर आ गया R3 T3, ये रहा, तो R3 ये वाला, T3 ये वाला, 4 3 12, 1/12। अब हमें देखना ये है क्या ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तीनों एक ही नंबर से कट रही है क्या। आप में से कोई भी जवाब दे सकता, क्या तीनों वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कट रही है क्या, जी नहीं कट रही, नहीं कट रही। ये वाली वैल्यू 5 से कट रही है तो ये नहीं कट रही, ये वाली वैल्यू 3 से कट रही है तो ये नहीं कट रही। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया, ये तीनों की वैल्यू किसी नंबर से नहीं कट रही। तो हमारे पास रास्ता ये था स्टूडेंट्स, जो था रास्ता ये था हमारे पास कि 20 का, 15 का और 12 का एलसीएम ले लो, तो 20 15 12 का एलसीएम 60 हो जाएगा, या छिपाने वाला कर लो, कुछ भी कर सकते हो वो तो आपके, हाँ ठीक है, छिपाने वाला कर लो चाहे कैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिलहाल स्पेस कम है तो मैं इसलिए एलसीएम ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 20 15 12 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा,
60 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे तो यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, इससे काट दोगे जी 20 दिया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। किसी का माइक हमिंग कर रहा, देखो किसका माइक हमिंग कर रहा है। एक मिनट, आर टू की वैल्यू सही नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जिसको डाउट है मैं बता रहा हूं, एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर। एक मिनट रुक जाओ जरा प्लीज, जिसको डाउट है डाउट दूर होना चाहिए। फॉर्मूला था यहां पे हमारा 1/r1 टी वन है ना, हाँ ठीक है, फिर 1/r2 टी टू, 1/r3 और टी थ्री, डाउट है कोई दिक्कत नहीं है। तो r1 डियर ये वाला है, ये वाला r1, और t1 हमारा ये वाला है, तो दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 आएगा। ये शायद मेरे ख्याल से रोबिन बोल रहे थे शायद, जी बिल्कुल कनेक्ट हो चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सभी लोग कनेक्ट हैं, ठीक है यस सर। ओके। चलिए वापस आते हैं, तो एक स्टूडेंट रोबिन है हमारे, शायद उनको प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर। क्वेश्चन था हमारा ये वाला जो चल रहा था, ये वाला, ये एक बार फिर दोबारा देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को प्रॉब्लम है तो। यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग 1/r1 t1, ये बात कर रहे थे, 1/r2 t2 और 1/r3 और t3। तो रोबिन यहां पे r1 4 है और t1 5 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे r1 t1 की तो 5 चौक 20 हो जाएगा ये रहा। भाई जिसको प्रॉब्लम थी बता देना कि डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। r2 t2 है यहां पे, तो r2 दिखा दूं, r2 कौन सा है ये मैं क्लियर कर दूं, r2 ये वाला है, ये वाला r2, और t2 होगा ये वाला, तो 5 दिया 15, हाँ 3 वर्ष, 5 दिया 15। और मैं एक बार और दिखा दूं, r3 t3 कौन सा होगा, तो r3 होगा डियर ये वाला 3, और t3 होगा डियर ये वाला 4, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 थी 12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब बात ये थी, हमने इसके बाद एलसीएम लिया था, एलसीएम लिया था हमने 60, और 60 की मल्टीप्लाई हमने ऊपर की थी सब जगह पर, ए यहां पर 60 60 और 60। अच्छा इंग्लिश में, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है रोबिन की इंग्लिश में गलत लिखा हो, हाँ तुम इंग्लिश में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में लिखा 4 5 3 एंड, हाँ इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ 5 4 3, होना चाहिए 5 3 4। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो तुम इंग्लिश मीडियम से हो रोबिन, चलो ठीक है गुड। अच्छा देखो कमी बतानी चाहिए ताकि जो चेंजेस हैं वो हो सके ना, तो 15 चौका 60 हो गया और यहाँ पे 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारा अनुपात आया 3:4:5। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। हो गया,
ठीक है गुड गुड। अब इसमें क्या करेंगे, फाइनल याद रखो 3 4 5 हमारा अनुपात आया। अब 3 4 5 के बाद क्या करेंगे देखिए जरा, जो ये हमारा 3 4 5 आया, अब इस राशि को, ये वाली जो राशि हमारी ए, ये वाली जो राशि है 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये, इस 12,000 को डिवाइड करना है 3 4 और 5 में। तो तरीका क्या है, तरीका ये है इसका कि 3 4 5 को जोड़ लो, 9 बैठता है, तो 9 यूनिट बराबर हो गया 12,000 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अरे सॉरी 12 बैठेगा यार, मेरा भी दिमाग चल जाता सिर्फ दो बात ही, कोई तो 12 बैठेगा, बिल्कुल सही कह रहे, 9 कहाँ से आ गया, 12, 12 यूनिट बराबर 12,000, तो 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितने गुना बैठ गया ये, 1,000 गुना है ना, तो इसका भी 1,000 गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,000, हजार हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1,000 की मल्टीप्लाई इस वाले 3 में कर देंगे, इस वाले 4 में कर देंगे और 5 में कर देंगे, तो पहला पार्ट 3,000 हो जाएगा, दूसरा पार्ट 4,000, तीसरा पार्ट 5,000। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हो गया, और इसके आगे 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर और भी होगा शायद, जरूर दे रखा होगा पक्का, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, इन्हें आप लोग कर लेना, क्वेश्चन को प्रॉब्लम आए डिस्कस कर लेंगे ना। ठीक है, अब आते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप क्या कहता है, टाइप नंबर 9। देखो एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन रटना पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के साथ रटे जा सकते हैं, क्योंकि मैथ को जितनी बार रिवाइज करते रहोगे तो चीजें रटना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की जो पैटर्न है ना वो रटा हुआ होना चाहिए। अब टाइप नंबर 9 को देखो, 9 में क्या लिखा, अब आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन नंबर, सॉरी टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 में क्या अंतर है। टाइप नंबर 9 को एक बार पढ़ते हैं, क्या कहता है टाइप नंबर 9। जी हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, हाँ ये वाली पॉइंट देखो, यही तो चीज हमें माइंड में सेट करनी है। क्वेश्चन में लिखा है, जब किसी धनराशि को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाए, तो धनराशि को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटा जाए, ये तो उसने पहले भी कहा था, टाइप नंबर 8 में भी कहा था, टाइप नंबर 9 में भी कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में चीज सेम है। अब आगे लिखा है, वह प्रत्येक भाग का मिश्र धन बराबर हो, ये वाला पॉइंट इस टाइप को पिछले वाले टाइप से अलग बनाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले वाले टाइप में क्या लिखा था, पिछले वाले टाइप में लिखा था, कहाँ गया, ये रहा पिछला वाला टाइप, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले वाले टाइप में लिखा था ये रहा, साधारण ब्याज बराबर है। ठीक है, और इस वाले टाइप में लिखा है मिश्र धन बराबर है, दोनों में यही चीज डिफरेंस है और यही चीज दोनों में अंतर पैदा कर रही है। तो आप अब आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन 2 तरीके हो सकते हैं, किसी धनराशि को 2 या 2 से अधिक भागों में बंटवाएगा वो तो है ही कॉमन बात, एक भाग ये हो सकता है कि हर भाग का ब्याज बराबर हो, और एक भाग ये हो सकता है कि हर भाग का मिश्र धन बराबर हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं, कैसे करते हैं इसको सोल्व। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला ये वाला है, ये लिखा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, 1/100 + R1T1। आप देख सकते हैं पिछले वाले फॉर्मूले में इसमें क्या डिफरेंस है, पहले 100+ नहीं था और अब की बार इसके अंदर 100 ऐड हो गया, अनुपात 1/100 + R2T2, अनुपात 1/100 + R3T3, ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन है, 5,886 रुपये को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है, हमने मान लिया पहला भाग P1 है, दूसरा भाग P2 है, तीसरा भाग P3 है। पहले वाले भाग पर रेट है 4%, दूसरे भाग पर रेट है 4%, तीसरे भाग पर रेट है 4%, टाइम 5 साल,
पहला, दूसरा 6 साल, तीसरा 8 साल। एक बार क्वेश्चन को तो मैं रिपीट करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 5,886 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक भाग पर साधारण ब्याज की दर 4% हो। अब कई बच्चे सोचते हैं कि सर तीनों भागों पे साधारण ब्याज की दर बराबर होगी या अलग अलग होगी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे तीनों भागों पे साधारण ब्याज जो दर है वो बराबर हो या अलग अलग हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे लिखा, तथा इन भागों के क्रमशः जो है 5 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष के मिश्र धन बराबर हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला के मिश्र धन बराबर हो, तो प्रत्येक भाग हमें ज्ञात करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे ज्ञात करना है, चलिए देखते हैं इसको। ओके, ये यहां से इसको कर लेते हैं, हाँ छोटा छोटा कर देते हैं इसको, ये लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने क्लियर कर दिया कौन सी चीज क्या थी। R1 हो गया 4%, R2 हो गया 4%, R3 भी, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ यहाँ पे, हाँ गड़बड़ आ गई ना ये, छोटा छोटा, बिल्कुल ये छोटी छोटी गड़बड़े जो है ना पढ़ने के बाद निकलती हैं, जबकि मैं इसको पढ़ चुका था पहले, लेकिन बहुत सारी चीज सोल्व करने के बाद निकलती हैं, ठीक है। 4% हो गया। टाइम T1 5 साल, T2 6 साल और T3 बच्चों 8 साल यहाँ पर, ठीक है। चलिए फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा ये रहा, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स R1 T1, थोड़ा जहां मैं गोला करूं सर्कल करूं वहां ध्यान दिया करो, ठीक है। R1 T1 और R1 T1 ये रहा ए, ये है R1 T1, ये रहा R1 T1, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और इस वाला जो 20 आएगा, ये वाला जो 20 आएगा उसको हम क्या करेंगे 100 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120, तो ये जाएगा 1/120। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों R2 T2 ये रहा और R2 T2 ये रहा, तो गुना करेंगे 6 चौक 24, और 100 में जोड़ दो 24 को, तो ये बन जाएगा 124, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें R3 T3 ये रहा और R3 T3 ये रहा, आर यहाँ पे 4 था, ये बस ये गलती मत कर देना, 4 था, तो 4 8 हो गया 32, और 32 को 100 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 132, ठीक है। अब इसके आगे हमें करना क्या, देखो इसके आगे हमें दो रास्ते थे, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज इम्पोर्टेंट आ गई है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ये वाली वैल्यू, ये वाली और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर किसी एक ही नंबर से कटती है तो काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। तो 120, 124 और 132, ये तीनों की तीनों वैल्यू कटेंगी बच्चों 4 से, तो हम क्या करेंगे इन तीनों वैल्यू को 4 से काट देंगे। जब 4 से काटेंगे तो ये आएगा 1/30, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये लो, इसे जब 4 से काटोगे, इस वाली वैल्यू को 4 से काटोगे, तो 4 3 12 और 4 1 4, 1/31 आएगा। और जब हम इसे काटेंगे 4 से, इस वाली वैल्यू को काटेंगे 4 से, तो 4 3 12 और 4 3 12, तो ये आ गया 1/30, 1/31 और 1/33 स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने बताया था दो रास्ते, दो रास्ते क्या बताए थे, रास्ता ये बताया था, एक तो रास्ता ये बताया था मैंने कि इस वाले 30 का, इस वाले 31 का, इस वाले 33 का एलसीएम लो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर हम 30, 31 और 33 का एलसीएम लेने लग गए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना, इसलिए हमें तरीका यूज कौन सा करना है, छिपाने वाला। तो चलो छिपाने वाला तरीका एक बार हम देखते हैं क्या है छिपाने वाला तरीका। इसको मैं यहां से गायब कर रहा हूँ, चलिए 1/30 था, 1/31 था और 1/33 था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, छिपाने वाला तरीका कर लेंगे।
सबसे पहले हम लोग इसको छिपा देंगे, इस वाली वैल्यू को। तो हमें क्या दिख रहा है, 31 और 33। तो मैं इसको बड़े प्यार से लिख दूंगा यहाँ पे, 31 गुना 33 अनुपात। अब सेकंड नंबर पे हमें क्या करना है, यहाँ एक बार पहले लिख देते हैं जो था यहाँ पे, 30 था यहाँ पर। सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड वाले को छिपाना है। जी बोलिए। हाँ, सभी का डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में, बिल्कुल। हाँ, कुछ दिक्कत आ गई अभी? सही चल रहा कि डिस्कनेक्ट हो गया था क्या बीच में? अब कनेक्ट हो गया, ठीक है, चलो ओके। तो यहाँ पे चलो एक मिनट रुको, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये था फाइनल, ये था 1/30 ratio 1/31 ratio 1/33। और इसमें हमने क्या करा था, पहले स्टेप में हमने इसको रिमूव कर दिया था, छिपा दिया था इसको, और इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई की थी। तो 31 गुना 33, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे वापस 30, और यहाँ पे इसको छिपा देंगे सेकंड वाले स्टेप को, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अब, इन वाले दोनों की। तो 30 गुना 33, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे 31 था ये, और इसको छिपा देंगे हम लोग तीसरे वाले को, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 गुना 31। पहले मुझे ये बताओ, मैं आगे तब चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा, अब देखो आगे बढ़ते आ रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, तो धीरे धीरे क्वेश्चन मोडरेट लेवल की तरफ जाएंगे, है ना? हाँ, तो ये बताओ पहले, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना फिर मैं क्वेश्चन को दोबारा बताऊं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है काफी। नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आज मैं इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो यूट्यूब पे एक बार देख लेना, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है? चलिए, अब हमारे पास फाइनली भैया 3 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू ये वाली है, एक वैल्यू ये वाली है, और एक वैल्यू ये वाली है। क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसी एक ही नंबर से कट रही है? अब हमें ये देखना फाइनली। कोई बोल सकता है तो बोल दीजिएगा। गुड, बस सही है, 3 से कटेंगी। अब देखते रहना मैं 3 से कैसे काटूंगा। 3 से इसे काट दूंगा 11, तो ये आएगा 31 गुना 11, फिर अनुपात। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे बड़ा तकड़ा पंगा है, बड़ा भयंकर पंगा है ये वाला। ये पूरा रफ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये था यहां पे फाइनली था 30, और गुना में था ये 33। यार ये सही नहीं लिखा जा रहा, दोबारा लिखता हूँ इसको, ठीक है। ये था बच्चों यहाँ पे 30, हाँ कोई नहीं, 33 ये था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको बेसिक मैथ जिनका वीक है, वो 3 से इस वाले नंबर को भी, इसको दोनों काट देंगे, जबकि दोनों नहीं काटने, आपको कोई सा एक काटना। हाँ ये चीज बड़ा, एक बड़ा मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनका मैथ वीक है वो 100% ये गलती करती है, ठीक है। तो दोनों नहीं काटने, कोई सा भी एक काटना, जिसको भी तुम्हें अच्छा लग रहा हो, जो भी तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हें प्यारा लग रहा हो उसे काट दो, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू तो कुछ है ही नहीं इतना। लो मैंने तो ये काट दिया यार, इसको काट दिया, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने इसको काट दिया, ऐसे ये 11 आ गया 11 आ गया, इसे काट दो, 3 से 10 हो गया। तो यहाँ पे बना आपका ये 30 गुना 11, और यहाँ बनाए 31 गुना 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि ये चीज किताब में नहीं लिखी हुई, नोट्स में नहीं लिखी हुई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो समझ आ जाएगा। अगर तुम बीच में अटकोगे तो यहां से समझ लोगे आप कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है।
ये आ गया जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो किताब जो होती है ना, किताब जो है बुक्स के अंदर यही कमी है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की हो, क्योंकि सॉल्यूशन में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। इतना बड़ा दे देंगे तो टाइपिस्ट को बड़ी दिक्कत होती है, एक तो पेज बढ़ जाते हैं, दूसरी बात तीसरी बात बच्चा खुद सोचता है एक पेज का सोल्यूशन कर रखा। अब देखो एक बात बताने हम आपको, यूट्यूब पर पढ़ लो चाहे कहीं भी पढ़ लो, ठीक है, बिना टीचर के वो बात नहीं आती जो आनी चाहिए। और जैसे हम लाइव क्लास चला रहे हैं तो इस लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही होगी कि हम वास्तव में क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके दो रीजन है, एक तो आपको सीधा ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, जो मैं बोलता हूँ आपको चीजें दिखाई देती हैं, दूसरा आप लोग हाय हेलो करते एक दूसरे की बातें सुनते हो, और तीसरा कोई प्रॉब्लम आती है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो मुझसे कि सर ये वाला पॉइंट बता दो जरा। जैसे भी एक स्टूडेंट ने बोला था कि इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है ना। हाँ अच्छा, जो यूट्यूब पे हम लाइव क्लास देखते हैं उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप जो प्रॉब्लम पूछ सकते हो वो डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, आप कमेंट में लिख सकते हो बस, है ना। और आपको खुद पता है कि कमेंट में लिखेगी प्रॉब्लम को टीचर कई बार देख भी लेता कई बार नहीं भी देखता। और उसके अंदर एक प्रॉब्लम और, उसके अंदर आपको जो इंटरनेट है वो हाई स्पीड चाहिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए और डाटा भी ज्यादा चाहिए, तो एक लॉस उसका ये है। और हमारी क्लास का फायदा है कि सब कुछ डायरेक्ट चीज चलती है, तो आपको शायद उम्मीद है ऐसी फीलिंग्स आती होगी कि हम क्लास के अंदर बैठ के ही पढ़ रहे हैं ना। चलिए अब देखो यहाँ पे था पॉइंट, ये डायरेक्ट आ गया, देखो ये वाला पॉइंट डायरेक्ट था, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जो अभी फाइनल निकल करके आया था, जब उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा निकल करके, है ना। एक मिनट स्टूडेंट्स, किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, कोई आया था गेट नो करने के लिए, पता नहीं। चलिए तो फाइनली यहाँ पर क्या आया, यहाँ पे ये आया, ये वाला जो ये वाला स्टेप थे, ये वाला ये, ठीक है। अब देखो फिर वही बात आती है, अब हमारा जो अनुपात है ये वाला आया, अब इस वाली राशि को हम लोग इसमें तोड़ देंगे। तोड़ने का तरीका, इनको पहले हम लोग ऐड कर लेंगे, इनको हम लोग पहले ऐड कर लेंगे, ठीक है। और ऐड करेंगे तो 981 आएगा। अब 981 को बराबर रख देंगे 5886 के, और 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हमसे बोलेंगे 981 यूनिट बराबर है इसके 5886 के, तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, तो 5886 को हम लोग डिवाइड करेंगे 981 से, तो ये सीधा 6 बार कटेगा डायरेक्ट। अब जब 6 बार कटेगा तो इस 6 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, इस रेशो में कर देंगे, इस वाले रेशो में, इसमें और इसमें, तो हमारे पास तीन वैल्यू आएंगी, 20,046 और सॉरी 20,000 नहीं, 2,046, 1,980 और 1,860। अभी क्या है ना, आज मेरा भी तीसरा दिन है तो धीरे धीरे मतलब डिस्टरबेंस होता रहता थोड़ा बहुत यार कभी कभी, है ना। हाँ ठीक है, चलो खैर मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन जो बचा, अब इसके अंदर देखो दूसरे क्वेश्चन में मुझे लग रहा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है सेकंड क्वेश्चन, इसलिए आप लोग खुद करेंगे दूसरा वाला, है ना। हाँ क्योंकि इस क्लास का सबसे बड़ा फायदा यही है, इसमें आपको होमवर्क भी मिल रहा, मतलब कई सारे बेनिफिट है। मुझे तो अगर यूट्यूब पर लाइव क्लास दे तो उससे बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव क्लास देने से क्या है ना, वो एक मैथ एक ऐसी चीज है, आप देख जब तक इसे देख रहे हो तब तक आपको अच्छा लग रहा है, और जब इसे खुद करोगे ना तो होने का नहीं फिर, ये 40% भी नहीं होने का। हाँ और जब तक देखते रहोगे तो आपको 100% समझ में आएगा, और जब खुद करोगे तो 40% रिजल्ट निकलेगा। और अधिकतर बच्चे यही करते हैं, वो देखते रहते हैं देखते रहते हैं, देखने से काम नहीं चलता, साथ में आप सोल्व भी करिए, खुद से करिए तभी सीखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है हम लोग, ये क्या आ गया, इसमें मैंने तुम्हें तीन क्वेश्चन दिए हैं, दूसरा वाला आपको खुद करना है और तीसरा वाला भी क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बाकी हम जो टाइप नंबर 10th है और टाइप नंबर 11th और 12th की कल निपटाएंगे। और एक चीज आपको बता दूं मैं, इसके ये जो हमने प्रैक्टिस कॉर्नर दे रखा है, सॉरी ये वाला कहाँ गया, प्रैक्टिस कॉर्नर ये रही है। देखो जो बच्चे लो लेवल की तैयारी कर रहे हैं, लो लेवल से मतलब क्या है भाई, लो लेवल से मतलब है ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो टाइप टाइप पढ़ लें तो भी बहुत अच्छी बात है, काम चल जाएगा।
लेकिन जो बच्चे ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का पेपर हो गया, ठीक है, ग्रुप सी में एनटीपीसी हो गया ना, एनटीपीसी, एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बता सकता है कोई? एनटीपीसी की फुल फॉर्म? नहीं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप सी के अंदर आता है ना। हाँ, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, तो ये सारे ग्रुप सी के अंदर आते हैं, है ना। हाँ, तो ग्रुप सी वाले बच्चों को कम से कम बता रहा हूं, प्रैक्टिस सेट तो भाई जरूर करना चाहिए, बिना प्रैक्टिस सेट के उन्हें तैयारी मतलब अधूरी है उनकी, ये प्रैक्टिस कॉर्नर जरूर करना चाहिए। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर लगभग पता नहीं कितने, शायद 200 कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, 250 क्वेश्चन के करीब है ना। हाँ ठीक है, तो सारे क्वेश्चन करने, जब हम इसको टाइप खत्म कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये अभी कौन है, ये अभी बड़ा लेट जुड़ते हैं यार, ये अभी हैज एंटर द वेटिंग रूम, यार कमाल है। चलो खैर, तो मैं बताता चलूंगा कैसे कैसे करने हैं, ठीक है। एक दिन में हम टारगेट बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन तक का, और शाम को प्रॉब्लम क्या करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हाँ ठीक है ना, तो इसको भी प्रैक्टिस कॉर्नर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बस ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी मैं वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा, जो बना रखा रिकॉर्डिंग कर ली मैंने इसकी, और कोई दिक्कत आया तो आप यूट्यूब पे देख लेना। कल वाली बनाऊंगा, कल वाली की, हाँ कल वाली की मैं एक काम करूंगा, जो बच्चे छूट गए थे कल, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, उनको पढ़ा दूंगा, उनको पढ़ाते वक्त मैं वीडियो बना लूंगा, ठीक है, और मैं अनाउंस कर दूंगा सबको, जिसको जुड़ना हो जुड़ जाएगा, है ना। हाँ, जिसको दूसरा दोबारा देखना हो, ठीक है जी। आरी बताइए। आपको उन्मूल्य नाम, आपका नाम सर्वेश, चैप्टर इसके अंदर मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं ये, पूरे ऑल टॉपिक पढ़ाऊंगा सर्वेश, ऑल टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कल, आज मैं काम करूंगा कंप्यूटर पे बैठ के लिस्ट बना के, तो मैं कल पीडीएफ दे दूंगा ग्रुप में, ठीक है। मतलब सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, टोटल पढ़ाऊंगा, टोटल कुछ नहीं छोड़ने का, ठीक है। अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई सब कुछ, और सारे नोट्स तो मैं ऐसे बना के दे रहा हूं। देखो आपको मैं बता दूं, किताब वाले क्या करते हैं भाई, कुछ नहीं करते, कॉपी पेस्ट करते हैं, वो तो क्वेश्चन में निशान लगा के दे देंगे भाई, 250 क्वेश्चन में निशान लगा दिया, 300 क्वेश्चन निशान लगा दिया, टाइपिस्ट को दे दिया, टाइपिस्ट बैठ के टाइप कर रहा। अब मास्टर को नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ होना चाहिए था, कौन सा क्वेश्चन कहाँ नहीं होना चाहिए था। ये जितनी भी टाइपिंग आप देख रहे हैं, जो इसकी डिजाइनिंग देख रहे हैं, इसकी टोटल डिजाइनिंग मैंने खुद कर रखी है, अब आप सोच सकते हैं, ठीक है। एक दिन मैं आपको लाइव दिखा दूंगा पूरा कंप्यूटर पे कि कैसे कैसे टाइपिंग होती है, ठीक है। हाँ, तो इसकी टाइपिंग करने में यार इतना टाइम लगता है ना, है ना। हाँ, कोरल वेंचुरा में इसकी टाइपिंग करते हैं हम लोग, तो कोरल वेंचुरा हमने सीख लिया था यहाँ से 3-4 साल पहले, तो उसमें इसकी टाइपिंग करते हैं। तो हिंदी की टाइपिंग मैं ही करता हूँ, इंग्लिश की टाइपिंग मैं ही करता हूँ, ये सारा कुछ, ये पूरा डिजाइन जो किया हुआ है मेरा ही डिजाइन है, यानी इस टोटल काम मेरा है, क्वेश्चन का कलेक्शन भी मेरा ही है, टाइपिंग भी मेरी है, सेटिंग भी मेरी है, सब कुछ मेरा है इसके अंदर। तो यार बड़ी हिम्मत वाली बात होती है, मतलब ये इतना हर कोई कर नहीं सकता, है ना। और जब मैं खुद से करता हूँ ना, तो मेरे मन में पता क्या रहता है, सुनो, मेरे मन में ये रहता है कि यार स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट दूं, जो हो सकता है बेस्ट दूं, ठीक है। तो चलो खैर कोई नहीं, बस ये कि आपको पसंद आना चाहिए, मेरी मेहनत जो है तभी सफल होगी जब आपकी चीजें पसंद आएंगी, है ना, ठीक है। चलिए ओके, बाय बाय, है ना, ठीक जी। क्या बोल रहे हैं? हेलो, देखो मेरी मेहनत बड़ा अच्छा लगता है, जब जो स्टूडेंट्स लग चुके हैं पहले और जो लग रहे हैं जब वो मुझे देखते हैं, तो यही तो हमारी मेहनत है। और अगर मान लो हम इस पे मेहनत ना करें, मैं आपको बता दूं, मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सेलेक्ट ना हो, तो मन में खुशी रहेगी नहीं बिल्कुल भी। तो अपना उद्देश्य एक ही है कि मतलब बच्चों को अधिक से अधिक अच्छी चीजें देना, अच्छा मेटेरियल देना, ताकि बच्चे जो है सेलेक्ट हो, उनका उद्देश्य पूरा हो, तो उसमें ही हमें खुशी मिलती है ना। हाँ ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ठीक बिल्कुल बिल्कुल करिए। और देखो मैं आपके साथ 24 आवर्स जुड़ा हुआ हूँ, जब भी आपको प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पर डायरेक्टली पूछ लो, कोई इशू नहीं है, है ना। हाँ ठीक है।
ओके बाय, वेलकम वेलकम। बड़े साल पे 50 रुपए की आ गई उनके अंदर नहीं है। नमस्कार, कोरोना वायरस बीमारी यानी